أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال الله تبارك وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لهم فيها لكم فيها خير وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأزهية الكبش काबिल एहतराम उलमाए किराम और मेरे प्यारे ईमानी भाइयों, दो दिन के बाद में बकराईद आने वाली है। इसी मौजू पर, कुर्बानी के मौजू पर कुरान और हदीस की कुछ बातें आपको सुनाना है। आप पूरी तवज्जो से सुने। कुर्बानी हर साल हम जो करते हैं, ये कोई रस्मी चीज़ नहीं है, बहुत अहम इबादत है, वाजिब दर्जे की इबादत है, फ़र्ज के करीब करीब इसका दर्जा है। और इस्लाम के निशानियों में से है कुर्बानी करना। जैसे मस्जिद देख करके पता चलता है कि हम मुसलमान रहते हैं, अजान सुन करके लोगों को मालूम हो जाता है कि हाँ मुसलमान है, तो ये इस्लाम की निशानी है, इसे पहचाना जाता है कि हाँ मुसलमान है। इसी तरह से सर पर टोपी हो, चेहरे पर दाढ़ी हो, उसे आदमी पहचाना जाता है कि मुसलमान है। और अगर ये चीज़ ना हो, निशानी ना हो, तो कैसे पता चलेगा कि ये मुसलमान है कि नहीं है। किसी गाँव में मस्जिद नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि वह मुसलमान है कि नहीं है। इसी तरह कुर्बानी जो है वो भी निशानी है इस्लाम की, मुसलमान होने की। जहाँ कुर्बानी होती होगी लोग समझ जाएंगे कि यह मुसलमान है। तो इसको कहते हैं शाइर, यानी इस्लाम की निशानियाँ। इस्लाम की जो निशानी वाले जो अहकाम होते हैं वो बहुत अहम अहकाम होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इस्लाम की निशानी हो, इससे पहचाना जावे कि ये मुसलमान है, ऐसे अहकाम की बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। ऐसे अहकाम को मजबूती से पकड़े रखने की ताकीद आई है, ताकि हमारी ये निशानी बाकी रहे। अगर हम इसको छोड़ देंगे, निशानी को छोड़ देंगे, तो हमारा निशान मिट जाएगा, हम मुसलमान है कि नहीं है पता ही नहीं चलेगा। जैसे दाढ़ी ना हो, टोपी ना हो, इस्लामी लिबास ना हो, तो कैसे पता चलेगा कि मुसलमान है। इसी तरीके से ये दाढ़ी, ये कुर्बानी करना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल दो मेंढों की कुर्बानी करते थे। एक मेंढे की नहीं, दो मेंढों की कुर्बानी करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान से क्या फरमाया है, तो बेहतरीन कुर्बानी, सबसे अच्छी कुर्बानी मेंढे की है। मेंढा समझते हो, घेटा, घेटे के बाल बहुत पतले पतले होते हैं, बारीक बारीक होते हैं, और हर बाल के ऊपर देखे एक नेकी, तो सबसे ज़्यादा नेकी किस में मिलेगी, घेटे की कुर्बानी में मिलेगी। जो है बकरे के ऊपर बाल कुछ मोटे मोटे होते हैं, बहुत बारीक नहीं होते, वो इसलिए वो कम होंगे, घेटे के मुकाबले में कम होंगे कि नहीं, तो उसमें नेकियाँ भी कम मिलेगी। और घेटे में बारीक बाल बहुत बारीक होते हैं, इसलिए नेकियाँ भी ज़्यादा मिलेगी। ये हिसाब हदीस शरीफ में बताया गया है, हर बाल के बदले में एक नेकी। कुर्बानी में सवाब क्या मिलता है, पूछा सहाबा इकराम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बाल के बदले में एक नेकी। तो सहाबा ने पूछा कि
जो जो होता है उसके बाल बहुत बारीक बारीक होते हैं, उसमें भी हर बाल के बदले में एक नेकी। आपने फरमाया हाँ उसमें भी हर बाल के बदले में एक नेकी। अलमा आपके यहाँ भेटे की कुर्बानी लोग बहुत मकदार में करते हैं, ऐसा रास्ते में मालूम हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी बिरादरी यानी मोमन बिरादरी को कहता हूँ कि तुम लोग बकरी की कुर्बानी ज़्यादा करते हो, अरे घेटे की कुर्बानी करने की फजीलत ज़्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो घेटे की कुर्बानी है। आपने जो है 10 साल तक मदीना में जो कुर्बानियाँ की है तो बकरी की कुर्बानी नहीं की है, जायज़ तो है बकरी की कुर्बानी, लेकिन की है घेटे की कुर्बानी, और वो भी एक नहीं दो दो घेटे की कुर्बानी करते हैं। अपने लिए भी करते थे और उम्मत को सवाब पहुंचाने के लिए भी करते थे। लिहाजा हमें भी हमें हमारे नबी को सवाब पहुंचाने के लिए कुर्बानी करनी चाहिए, अपनी वाजिब कुर्बानी के अलावा एक दूसरी नफिल कुर्बानी भी करनी चाहिए, ताकि हम इसका सवाब अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने वालिदैन को मरहूम हो गए हैं उनको सवाब पहुँचावें। सबको सवाब पहुँचेगा, एक कुर्बानी नफिल करके उसका सवाब बहुत सो को पहुँचा सकते हैं, समझे भाई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वो उम्मत अपनी पूरी उम्मत की तरफ से एक कुर्बानी की, सबको पहुँचाया उसका सवाब, अपनी तरफ से नफिल कुर्बानी करके सवाब सब पूरी उम्मत को पहुँचाया। और एक रिवायत में है कि मेरी उम्मत में से जिन्होंने कुर्बानी न की हो उनको ही सवाब इसका मिले, वो भी बहुत सारे लोग होंगे। मालूम है कि एक छोटी जानवर की कुर्बानी का सवाब बहुत सौ को पहुँचा सकते हैं। बात समझ आ गई भी, लेकिन वाजिब कुर्बानी नहीं छोड़ने की, वाजिब कुर्बानी पहले करने की और फिर नफिल कुर्बानी की गुंजाइश हो तो नफिल कुर्बानी भी करने की। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। अभी मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, ये इन्ना आतैना कल कौसर वाली सूरत छोटी सी है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कि आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। और कुर्बानी भी किसकी कीजिए, ऊँट की कुर्बानी कीजिए। वनहर का लफ्ज है अरबी जुबान में, नहर कहते हैं ऊँट की कुर्बानी करने को। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म पर अमल करते हुए, आपने जो हज किया है उस हज के मौके पर 100 ऊँटों की कुर्बानी की है। कितनी ऊँटों की? 100 ऊँटों की कुर्बानी की। एक ऊँट की कुर्बानी 7 आदमियों की तरफ से काफ़ी हो जाती है, तो 100 ऊँटों की कुर्बानी 700 आदमियों की तरफ से काफ़ी हो जाओगे नहीं, तो 700 कुर्बानियाँ की, ये मतलब हुआ कि नहीं। अरे कोई बादशाह भी इतनी कुर्बानी करता होगा, ख्वाब में भी उसको नहीं आता होगा ऐसा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जावे खुश हो जावे, इसके लिए जो है ये 100 ऊँटों की कुर्बानी की। अगर जो है 7 ऊँटों की कुर्बानी करते तो भी अल्लाह का कुर्ब मिलता, लेकिन जितना 100 ऊँटों की कुर्बानी में मिलता है इतना थोड़ी मिलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करूँ। तो ये कुर्बानी जो है, ये लफ्ज़ क्या है, कुर्बानी का जो लफ्ज़ है बताता है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ये जानवर है, इसके ज़रिए से तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करोगे, अल्लाह का की नज़दीकी हासिल करोगे, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करोगे, अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाएंगे, ये फ़ायदा होगा तुम्हारा कुर्बानी करने से। इसलिए अल्लाह ताला को कुर्बानी के दिन में कुर्बानी से ज़्यादा कोई अमल पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा? कुर्बानी का। कुर्बानी के दिन में 10वीं ज़िलहिज्जा के दिन आप जानवर के गले पर छुरी फिरेंगे अल्लाह का नाम लेकर के, तो ये अमल अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद। बात समझ में आई? तो कुर्बानी जो है वो मामूली इबादत नहीं है, बहुत ऊँची इबादत है। और ये कर अगर कोई बेदीन आदमी ये कहे कि तुम लोग जानवर पर रहम नहीं करते हो, जुल्म करते हो, ऐसा कोई कहे तो उसको ऐसा जवाब हम दे सकते हैं कि देखो हम से और तुमसे ज़्यादा दयालु
मालिक है, अल्लाह ताला है, उसकी सिफत है रहमान और रहीम, यानी बेहद दयालु, बेहद मेहरबान, जिसकी मेहरबानी और रहम की कोई हद नहीं, इतनी ज़्यादा रहम करने वाली ज़ात जब हुक्म दे रही है कि कुर्बानी करो, कुर्बानी करो तुम, हाँ ठीक है, आप ऐसा कहोगे अंदर ले के बारे में कैसी कैसी आयतें उतारी है। एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी करना मुकर्रर किया, सिर्फ इस उम्मत के लिए नहीं, इससे पहले दुनिया में जितनी उम्मतें गुजरी है हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी वाला तरीका तय किया, ताकि वो अल्लाह का नाम लेवे चौपायों को ज़बह करने के वक्त में, जानवर को ज़बह करने के वक्त में अल्लाह का नाम लेवे, अल्लाह मालिक है जानवर का तो उसका नाम अल्लाह ही का नाम लेना चाहिए, दूसरे का नाम क्यों लेवे, अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह ही अल्लाह पर क्या कर उसको ज़बह करना चाहिए। तो मालूम हुआ कि ये जो दूसरी कौमें मुसलमानों के अलावा मूर्तियों के नाम पर अपने जानवरों को ज़बह करते हैं तो ये अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। ये जानवर को बनाया किसने, अल्लाह ने, तो अल्लाह के नाम पर इसको ज़बह होना चाहिए, करना चाहिए, इसको जो है जिसने बनाया नहीं है उसके नाम पर क्यों ज़बह करते हो, ये भूतों ने थोड़ी बनाया है। बहरहाल जो अपने किसी जानवर को ज़बह करेगा और उसमें किसी भी अल्लाह के अलावा किसी भी दूसरे का नाम लेगा तो ये अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, बहुत भारी गुनाह है ये, बहुत भारी गुनाह है ये, इसलिए इससे हमें पूरे तौर से बचना है। कभी भी हमें किसी भी जानवर की का को ज़बह करते वक्त अल्लाह के अलावा किसी और का नाम नहीं लेना है, अल्लाह ही का नाम लेना है। खैर लियज़कुरु इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ये अल्लाह ताला ने कुर्बानी क्यों मुकर्रर की हर उम्मत के लिए उसकी वजह बताई, ताकि ये लोग उन जानवरों को ज़बह करने के वक्त में अल्लाह का नाम लेवे। लियज़कुरु इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। दूसरी आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے دین کی نشانی بنا کر کے مقرر کیا ہے، دین کی نشانی اسلام کی نشانی ہے یہ قربانی کے جانور، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو اسلام کی نشانی بنایا ہے، मुसलमान होने की निशानी है कि ये कुर्बानी अल्लाह के नाम पर कर रहे हैं। वलबुदन जअलना हालकुम, और ऊँटों को और इसी तरह दूसरे जानवरों को, छोटे बड़े जानवरों को जिनकी कुर्बानी की जाती है उनको अल्लाह ताला फरमाते हमने तुम्हारे लिए दीन की निशानी बनाया है और उसमें तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं, लकुम फिया खैर, तुम्हारे लिए उन जो है कुर्बानियों के अंदर फ़ायदे हैं। देखो कुर्बानी में कैसे कैसे फ़ायदे अल्लाह ताला ने रखे हैं, गोश्त खाने को मिलता है कि नहीं, इतना ज़्यादा फरावानी के साथ गोश्त बाकी पूरे साल में किसी महीने में मिलता है बताओ, बाकी के 11 महीनों में इतना गोश्त मुसलमान नहीं खाते होंगे जितना कुर्बानी के 3 दिनों में खाते होंगे, और जैसी तबीयत चाहे ऐसा खाओ, किसी को मुंडी खानी है तो मुंडी का गोश्त खाए, किसी को पाया का खाना है पाया का खाए, किसी को कलेजी खानी है कलेजी खाए, तो जो जिसको पसंद हो उसको उसमें से खाए। तो अल्लाह ताला ने जो है कुर्बानी हर एक के ऊपर वाजिब की, घर में जितने लोग भी साहबे निसाब होंगे सब पर कुर्बानी, ऐसा नहीं कि घर में से एक आदमी कुर्बानी कर ले सबकी तरफ से काफ़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं, बल्कि
घर में अगर पांच आदमी साहब निसाब है तो पांचों के ऊपर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा गोश्त घर में आवेगा तो ज्यादा से ज्यादा गोश्त खा सकेंगे और दूसरों को खिला सकेंगे, अपने रिश्तेदारों को गरीबों को खिला सकेंगे। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे तमाम ईमान वाले बंदे और बंदियां इन दिनों में हमारे मेहमान हैं और हमारी तरफ से उनको गोश्त की दावत है। सबसे आला किस्म का सालन कौन सा है? गोश्त है। तो इसकी दावत अल्लाह ताला करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए दिल की खुशी से कुर्बानी करें। और अच्छे से अच्छा जानवर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैन मोटा जानवर, अच्छा फरमा और खूबसूरत जानवर पसंद करते थे कुर्बानी के लिए। ये मेंढे, दो मेंढों की जो कुर्बानी करते थे वो कैसे मेंढे होते थे? खूबसूरत होते थे, यानी ऊपर जो है सिंह होते थे, सिंह वाले होते थे। सिंह वाले जो होते हैं मेंढे, वो ज़्यादा अच्छे खूबसूरत शुमार किए जाते हैं, इसलिए उनकी कीमत ज़्यादा होती है। और वो कैसे होते थे? मोटे होते थे, तगड़े ताज़े होते थे, दुबले मरियल नहीं होते थे। तो हमें भी दुबले मरियल बीच वाले जानवर नहीं, बल्कि अच्छे खासे मोटे तगड़े ताज़े जानवर हो उनको खरीदना चाहिए कुर्बानी के लिए, और पहले से खरीद करके अपने घर पर उनकी कुछ खिदमत करनी चाहिए, उनको अच्छा खिलाना पिलाना चाहिए और उनको अच्छी तरह से रखना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला खुश हो जावे कि मेरे बंदे मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए इस जानवर की कैसी खिदमत करते हैं। और उसके ज़रिए से जब मोहब्बत हो जाएगी जानवर से, फिर उसको अल्लाह के नाम पर ज़बह करेंगे तो ये कितनी बड़ी उनकी कुर्बानी कहलाएगी। अच्छा, ये कुर्बानी जो है अल्लाह ताला ने हर साल रखी है, ऐसा नहीं हज की तरह कि ज़िंदगी में एक मरतबा कर लो काफ़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं। हर साल कुर्बानी वाजिब है होगी जो जो भी साहब निसाब होगा उसके ऊपर। जिस साल वो साहब निसाब न रहे, गरीब हो जावे, तो उस पर कुर्बानी साहब की नहीं रहेगी। बहरहाल इसमें क्या सबक है? हर साल कुर्बानी को वाजिब करने में सबक ये है, एक बहुत बड़ा सबक है, और वो सबक यह है कि मुसलमानों को एक बात अल्लाह ताला याद दिलाना चाहते हैं कि देखो, दीन के लिए हर वक्त तुम कुर्बानी के लिए तैयार रहो। दीन के लिए जिसकी भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे माल की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे और किसी भी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़े, तो दिन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तुम तैयार रहो। ये सबक अल्लाह ताला सिखाना चाहते हैं और ताज़ा कराना चाहते हैं। ये सबक भूलना नहीं है, भूल इंसान है, भूल जाता है, साल भर गुजरने के बाद भूल जाता है, तो फिर ताज़ा कराते हैं सबक। तो देखो, हमने तुमको पैदा किया और तुम्हारी ज़रूरतों के लिए सारी दुनिया में चीज़ें पैदा की, और सारी नियामतें तुम्हारे लिए, दुनिया भर की नियामतें हमने तुम्हारे लिए पैदा की, तो फिर तुम अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी दो, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो मेरे हुक्म को पूरा करने के लिए। मसलन नींद आ रही है सुबह में, रात को नींद नहीं आई थी, अब फजर के नमाज के वक्त में नींद का गलबा हो रहा है, तो छोड़ो नींद को, भगाओ और आ जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तो ये नींद को कुर्बान करना हुआ, अल्लाह के लिए अपनी नींद को कुर्बान करना हुआ। इसी तरह किसी गुनाह का तकाजा आदमी के अंदर हो, किसी भी किसी की बुराई करने का, किसी को जो है किसी से का माल दबा लेने का कोई जज्बा अंदर हो, तो ये गुनाह का जज्बा है, इस गुनाह के जज्बे को भी दबा दो और उसको कुर्बान कर दो, उस गुनाह की बात पर अमल मत करो, तो कहा जाएगा कि तुम वाकई में अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के लिए हर चीज़ को तुम कुर्बान करना सीख गए हो। ये कुर्बानी का सबक यही है, हर साल कुर्बानी वाजिब करके अल्लाह ताला यही सबक, ये अजीम शान सबक देना चाहते हैं तमाम मुसलमानों को कि तुम हमारे लिए हर वक्त तैयार रहो, जिस चीज़ की भी कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़े उसके लिए तुम उस कुर्बानी के लिए तैयार रहो। बाज़ मरतबा कोई गलत आदत हमारी है, गुनाह की आदत है, उसको छोड़ने के लिए भी
कुछ जो है अपने जीव को दबाना पड़ेगा, नफ्स को दबाना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो इसके लिए भी तैयार रहो। हाँ, गलत आदत जो होती है शरीयत के खिलाफ, गुनाह की आदत, उसको छोड़ने के लिए भी तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने नफ्स के ऊपर पैर रखना पड़ेगा, नफ्स को दबाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो ये कुर्बानी हमको ये सबक देती है कि तुम हर वक्त अपने अल्लाह के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहो। जिस चीज़ की भी कुर्बानी अल्लाह ताला चाहते हो, वो कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तुम तैयार रहो। ये कुर्बानी का अजीम शान सबक है जो हर साल कुर्बानी वाजिब करके अल्लाह ताला इसको ताज़ा कराना चाहते हैं। उसको भूलो, भूलना मत, इसको भूलना मत। जिस वक्त माल खर्च करने की ज़रूरत पेश आवे इस्लाम के लिए, तो दिल खोल करके माल खर्च करना। जिस वक्त अपनी जान की बाजी लगाने की ज़रूरत पेश आ जावे इस्लाम के लिए, तो अपनी जान को कुर्बान कर देना। ये मत सोचना कि मैं अपनी जान दे दूंगा तो मैं मर जाऊँ, क्या होगा। नहीं, अल्लाह के लिए, अल्लाह की दी हुई जान है, अल्लाह के नाम पर कुर्बान करनी है। ये सहाबा किराम ने जहाद में कुफार के सामने अपनी जानें कुर्बान की कि नहीं की? तो ये अपनी जानें उन्होंने कुर्बान की और माल भी कुर्बान किया। इतना लंबा सफ़र करते थे तो उसमें माल की भी ज़रूरत पड़ती थी, तो हर तरह की कुर्बानी उन्होंने दी है। हमको भी ये कुर्बानी को वाजिब हर साल अल्लाह ताला ने करके और पूरी उम्मत के ऊपर वाजिब करके, पूरी दुनिया में मुझे मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब करके यही सबक अल्लाह ताला देना चाहते हैं। बाज मुसलमान होकर के दाढ़ी अपने शौक के मुताबिक रखते हैं, जैसा उनका जी चाहे ऐसी दाढ़ी रखते हैं। नहीं भाई, हमारे नबी का जो हुक्म है ऐसी दाढ़ी रखो तो तुम जो है अपने 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 ख्वाहिश को कुर्बान करने वाले कहलाओगे। छोटी छोटी रखोगे कतरा करके, तो ये तो सुन्नत के, हमारे नबी के तरीके के मुताबिक ना हुई। बाज लोग जो है वो यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं और नीचे रखते हैं दाढ़ी सीधी नीचे वाली, तो ये सही नहीं है। अरे दाढ़ी की हद तो यहाँ से शुरू होती है, ये कान की पास से जो हड्डी है वहाँ से इसकी हद शुरू होती है, वो पूरी हड्डी के ऊपर जो बाल उठते हैं वो सब दाढ़ी के बाल कहलाते हैं। तो उसको जो है पूरा पूरा रखो और एक मुट्ठी जब तक न हो जाए वहाँ तक उसको मत काटो। तो ये सारी बातें क्या है, कुर्बानी चाहती है। कुर्बानी के बगैर दीन वजूद में नहीं आता है, दीन पर अमल करने के लिए कुर्बानी की ज़रूरत है। इसलिए भाई आप माशाल्लाह जो है दीन की अहमियत आपके लोगों के दिलों में है, इसलिए जब दीन की बात होती है नमाज खड़ी हुई तो सब की आवाज़ें बंद हो गई। इससे पहले आवाज़ें आ रही थी, नमाज खड़ी हुई तो सबकी आवाज़ें बंद हो गई, बयान शुरू हुआ तो सबकी आवाज़ें बंद हो गई। ये अलामत है कि आपके दिल में दीन की बातों की अजमत है, अदब है, एहतराम है। इसलिए अल्लाह ताला जिस जिसके दिल में अदब होता है, एहतराम होता है, उसको अल्लाह ताला नवाजते हैं, उसको अल्लाह ताला तौफीक देते हैं दीन पर अमल करने की। इसलिए कि कुरान पाक में क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब। जो शख्स अल्लाह के दीन की निशानियों की इज्जत करेगा, अल्लाह के दीन की जो निशानियां हैं जैसे कुर्बानी है, मस्जिद है, अजान है, जमात है, नमाज है, रोज़ा है, ये सब अल्लाह के दीन की निशानियां हैं, खुले हुए आकाम है, तो उनकी जो इज्जत करेगा तो ये इज्जत करना दिलों के तकवे की वजह से होगा। उनके दिल में तकवा है, अल्लाह का डर है, इसलिए वो यह इज्जत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, ओहो जिसका दिल बन गया, दिल में तकवा आ गया, तो ये तो कितनी बड़ी बात हो गई। ओहो, इतना बड़ा अल्लाह ताला ने गारंटी वाली बात बता दी। जो आदमी इज्जत करेगा किसकी, दीन की निशानियों की, दीन के उन अहकामात की जो दीन की निशानियां हैं उनकी जो इज्जत करेगा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दिलों के अंदर तकवा होने की वजह से होगा, दिलों में तकवा होने की अलामत है। खैर, तो आज अभी मुझे एक बात ये बतानी है कि कुर्बानी घर पर करते हैं यहाँ लोग। आमतौर पर कुर्बानी के दिनों में हर एक
जो है अपने घर की कुर्बानी करता है, और ये सुन्नत भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है कि आपने अपने हाथ से कुर्बानी ज़बह की थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से ज़बह की थी, लिहाजा अपने हाथ से कुर्बानी करना क्या हुआ, सुन्नत हुआ। और ये 100 ऊँटों की कुर्बानी जो की थी उसमें से 63 यानी 63 ऊँटों की कुर्बानी खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से की थी, बाकी ऊँटों की कुर्बानी हजरत अली रजी अल्लाह को सौंपी थी। तो इससे भी मालूम हुआ कि अपने हाथ से कुर्बानी करना बेहतर है, जो न जानता हो तरीका तो सीख ले, आसान है, बहुत आसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से कुर्बानी की है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। जानवर को जो है किबला की तरफ मूव करके लिटाया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को कुर्बानी करने के लिए कैसा लिटाया, जानवर का मुंह किबला की तरफ रखकर, और खुद आपका रुख आपका मुंह भी किबला की तरफ था। इस तरह से आप खड़े हुए और अपना दाहिना जो पैर है वो जानवर के कंधे के ऊपर रख दिया ताकि वो खड़ा ना हो जाए, और ये बायां हाथ है उसके जरिए से उसकी मुंडी पकड़ ली, और दाहिने हाथ में छुरी लेकर के उसके गले के ऊपर फिर आई बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर क्या करते। तो ये आसान है, क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। और उसमें 4 रगे होती है काटने की, गले के अंदर 4 रगे होती है, उसमें से 3 रगे भी अगर कट गई तो कुर्बानी सही हो जाएगी, उसका गोश्त खाना हलाल हो जाएगा। अगर 4 कट जाए तो कोई हर्ज नहीं, अच्छा है, लेकिन 4 कट जाने के बाद आगे ज़्यादा मत काटो, ज़्यादा काटने में जानवर को बगैर वजह की तकलीफ देना जायज़ नहीं है, गुनाह है। इसलिए इतना ही काटो जिससे 2 रगे कट करके उसका फुवारे उड़े तो समझ जाओ कि 4 रगे कट गई है, ये निशानी है। देखो 4 रगे कौन सी होती है, ये 2 रगे तो दाई बाई जानी खून की बड़ी रगे होती है, उसके कटने से खून का फुवारा उड़ता है, उसको तो आप पहचानते हैं, समझ जाते हैं कि ये बड़ी रग कटी, और 2 कटी तो 2 फुवारे उड़ेंगे। ये 2 रगे किधर होती है, दाहिनी तरफ और बाई तरफ में होती है, और बीच में इन दोनों रगों के बीच में जो गला है जहाँ से जानवर खाना खाता है, वो गले को वो पहले गला कटेगा, और गले के नीचे जो है सांस की एक रग होती है सांस लेने की, वो भी पहले कट जाएगी। तो ये दोनों तो पहले कट जाती है और फिर इसके बाद ये दोनों फुहारे वाले रगे कट जाए, तो अब ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मत काटो, जानवर को ज़्यादा तकलीफ मत दो। ये सुन्नत तरीका हुआ ज़बह करने का। अच्छा, जानवर को भूखा प्यासा ज़बह न किया जावे, ये भी किताब में लिखा है कि अगर जानवर भूखा है तो उसको कुछ खिलाओ, प्यासा है तो पिलाओ, और फिर उसके बाद उसको ज़बह करो। इसी तरह जानवर को ज़बह करने के लिए ले जाना है तो उसको घसीट कर मत ले जाओ, उसको तो खुशी से वो आवे, ऐसी कोई खाने पीने की चीज़ उसको दिखाओ तो खुशी से आएगा, इस तरह से उसको ले जाओ। यानी जानवर हमारी लिए अल्लाह की कुर्ब को हासिल करने का जरिया है, तो उसका ख्याल रखो कि उसको ज़्यादा तकलीफ न पहुँचे, उसका ख्याल रखो। इसी तरह उसके सामने जो है छुरी तेज़ मत करो, वो जब दूसरे दिन पहले दिन ही छुरी तेज़ करके तैयार करके रख लो, बूथी छुरी होगी तो जानवर को तकलीफ होगी, तो छुरी तेज़ पहले से होनी चाहिए। ये सब अहकाम है ज़बह करने के। फिर एक हुक्म ये भी है कि जानवर को जब आप जो है ज़बह करने वाले हो तो वहाँ कोई दूसरा जानवर न देख रहा हो, दूसरे जानवर के सामने इसको ज़बह करोगे तो उस जानवर को तकलीफ होगी कि अब मेरी बारी आएगी इसकी, इसलिए ऐसा मत करो, इस बातों का ख्याल रखो। और ज़बह हो जाने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तब उसकी खाल उतारो, इससे पहले खाल उतारोगे तो उसको तकलीफ होगी। तो जानवर को ज़रूरत के बगैर तकलीफ मत दो, इसका भी ख्याल रखो। देखो कुर्बानी तो करनी है लेकिन उसमें जानवर को तकलीफ न पहुँचे, इसका ख्याल रखना है, समझे आप जी। अच्छा, अब एक बात और सुनो कि जानवर जब ज़बह हो गया
अब उसकी खाल वगैरह उतारनी है, अच्छा उसकी मुंडी को अलग कर सकते हो, जब खाल उतारना उतारने के लिए ठंडा हो गया है तो उसकी मुंडी को भी अलग कर सकते हो, इससे पहले मुंडी अलग मत करो, उसको तकलीफ होगी। है अब अंदर की कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसको खाना जायज़ नहीं है, इसको समझ लो। अपने घर पर कुर्बानी करते हो तो 6 चीज़ें ऐसी हैं तो जिसको खाना जायज़ नहीं है। कौन सी 6 चीज़ें? एक तो पेशाब की नाली, अगर बकरा है या जो है घेटा है तो उसके अंदर पेशाब की एक नाली होती है लंबी, उसको पूरी की पूरी निकाल दो, और वहाँ जहाँ पूरी हो जाती है वो नाली, वहाँ पर पेशाब की थैली रहती है जिसमें पेशाब जमा होता है, फिर वो नाली से बाहर निकलता है, तो पेशाब की थैली जो होती है उसको खाना भी जायज़ नहीं है, और पेशाब की जो नाली है उसको भी खाना जायज़ नहीं है। दो चीज़ें हो गई जी। अगर घेटी है या बकरी है तो उसकी जो भी पेशाब की जगह होती है नाली, उसमें भी होती है पेशाब की जो थैली है वहाँ से लेकर के यहाँ तक पेशाब बाहर आने के लिए नाली, उसमें भी होती है, तो वो भी मतलब के निकाल दो, उसको भी खाना जायज़ नहीं है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब 3 चीज़ें बाकी रह गई। एक तो पीत होता है, पीत किसको कहते हैं, ये कलेजी के ऊपर जो है कड़वा पानी का एक थैली होती है, उसको इस तरह से जो है कलेजी को थोड़ा सा काट करके उस थैली को अलग कर दो ताकि वो थैली फट न जावे, और उसको पूरी को फेंक दो, इसको खाना जायज़ नहीं है। और अगर वो बकरा है और खसी किया हुआ नहीं है तो उसके खुशियतन होते हैं, पेशाब की नाली के नीचे जो है जो खुशी होते हैं जिसको कपूरा भी कहते हैं, पता नहीं यहाँ के लोग जो क्या कहते हैं मालूम नहीं, उसको खाना भी जायज़ नहीं है। बात तो समझ गए? अरे बकरा हो या घेटा हो तो उसके अगर उसकी उसको खसी किया हुआ नहीं होगा, बचपन में जब बच्चा होता है तो उसको खसी किया जाता है, उसमें जो खुशियतें जो होते हैं उसको तोड़ दिया जाता है तो वो खसी कहलाता है, लेकिन अगर किसी को खसी नहीं किया है तो बड़ा होगा तो उसके खुशियतें बड़े बड़े होंगे, तो ये बड़े बड़े जो दो खुशियतें होते हैं उसको खाना जायज़ नहीं है। वो तो पीछे से नज़र आता है कि ये आखा है कि यह खसी किया हुआ है, अगर खसी किया हुआ नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, आखा कहते हैं, आँखों से आज जेटो आँखों से ना बकरो आँखों से ऐसा कहते हैं जी, तो उसकी कुर्बानी तो जायज़ है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी की है वो खसी किए हुए जेटो की कुर्बानी की है, इसलिए हमें कुर्बानी किसकी करनी चाहिए, खसी किए हुए घेटू की या खसी किए हुए बकरे की कुर्बानी करना सुन्नत हुआ। उसका गोश्त अच्छी तरह से पक जाता है और लजीज होता है, और ये जो खसी किया हुआ नहीं होता आखा जो होता है उसका गोश्त बदबूदार होता है और पकता भी नहीं है, इसलिए जो है वो मज़ा भी नहीं आता है उसका। बात समझ में आ गई? तो ये क्या समझा रहा था, कौन सी चीज़ें खाना जायज़ नहीं है, उसमें से कितनी चीज़ें बताई, 5 चीज़ें बताई। अब एक चीज़ छठी रह गई और वह है, इसका नाम है वुदूद। वुदूद कहते हैं गांठें, जो गोश्त भी नहीं होती बल्कि गांठ की तरह होती है, उसके ऊपर चर्बी चढ़ी हुई होती है, ऐसे अलग अलग जिस्म के अंदर ऐसी चीज़ें होती है, तो जब देखो कि ये चर्बी चढ़ी हुई है और अंदर गांठ है तो समझ जाओ कि ये वजूद है, उसको निकाल दो, उसको अपने खाने में इस्तेमाल मत करो। ऐसी कई एक बकरे में कई वजूद निकलेंगे, ये 2-4 निकले ऐसा नहीं, बहुत सारे वजूद निकलेंगे, छोटे बड़े वो सब निकाल दो। ये तो चीज़ मैंने जो बताई 6 चीज़ें, वो आमतौर पर लोगों को बताना ज़रूरी था। और एक है बहने वाला खून, जब जानवर को जबा करते हैं तो फुहारे जो उड़ते हैं वो खून बहने वाला होता है,
वो अंदर से जब तक पूरा निकल न जाए वहाँ तक जानवर को हिलने भी दो, थोड़ा हिलेगा तो वो खून अंदर से निकलेगा। तो ये बहने वाला खून जो है उसको जितना निकल जावे वो अच्छा है, तो गोश्त बिल्कुल साफ और पाकीज़ा हो जाएगा, इसका खास ख्याल रखना है। अब गोश्त जो है उसके तीन हिस्से करना, ये भी किताब में लिखा है। एक हिस्सा तो अपने घर में खाने के लिए रखे, और तीन हिस्सों में से एक हिस्सा जो है अपने रिश्तेदारों को दे दे, और तीसरा हिस्सा जो है वो गरीबों को दे दे। तो गोश्त में इस तरह से करना बेहतर लिखा है। कोई गरीब है कुर्बानी करने वाला तो अपने घर में रखने की उसको ज़रूरत है, सारा गोश्त नहीं रख सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत देना चाहिए गरीबों को और अपने रिश्तेदारों को थोड़ा बहुत देना चाहिए। अगर पूरा पूरा तिहाई न जाएगा दोनों में तो थोड़ा बहुत देना चाहिए शायद। एक बात, आमतौर पर कुर्बानी के दिनों में सब लोग कुर्बानियाँ करते हैं, तो जो चीज़ खाने की नहीं होती उसको फेंक देते हैं और उसकी वजह से बदबू फैलती है। बड़ी बड़ी हड्डियाँ या ये जो मुंडी की जो है चमड़ी उतारी हुई या उसके इसके जो पाए होते हैं, पाए के नीचे खुर होते हैं, खुर तो खुर को काट करके फेंक दिया, तब इस तरह की चीज़ें जो है वो बदबू पैदा करती हैं, और गांव में बदबू पैदा हो अच्छी चीज़ नहीं है, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। इस्लाम सफाई सुथराई की तालीम देता है, इसलिए भी अपने गांव में इसका भी इंतज़ाम करना चाहिए कि कुर्बानी के तीन दिनों में जो चीज़ें ओझड़ी है, जो चीज़ें खाने की नहीं है आते हैं, जो चीज़ें अभी मैंने बताई को खाने की नहीं है, ऐसी चीज़ों को लोग अपने अपने बर्तन में ले करके ट्रैक्टर की पहली ट्रॉली जो है खड़ी कर देवे किसी जगह, वहाँ पर जा करके डाल देवे, और शाम के वक्त ट्रैक्टर वाला जो है ट्रॉली को जो है गाँव से दूर जा करके डाल आ गए। आपके यहाँ ट्रैक्टर है? है, अच्छा, तो ये बहुत आसानी है आपके यहाँ ट्रैक्टर जब है तो इस तरह से अगर दो तीन ट्रैक्टर खड़े करने की ज़रूरत है तो दो तीन ट्रॉलियाँ खड़ी कर दी जाए अलग अलग जगह पर, ताकि लोगों को उसमें से उजड़ी है या इस तरह की जो भी चीज़ें हो तो खाने की नहीं है वो तो बदबू फैलाती है, उस चीज़ों को उसके अंदर डाल देवे और वो शाम के वक्त जा करके दूर गाँव से डाल आवे। तीनों दिन ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह, बारिश की सीज़न है, बारिश में बदबू और ज़्यादा पैदा होती है, ऐसी चीज़ें अगर आप डालोगे तो गांव में बदबू और ज़्यादा फैलेगी और बदबू से फिर बीमारियां पैदा होगी, और ये इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ होने की वजह से इस्लाम भी बदनाम होता है। इसकी वजह से मुसलमान कैसे गंदे रहते हैं, उनका गांव पूरा गंदगी से भरा हुआ रहता है, ये लोग जो है इनके त्यौहार के दिन में कोई सफाई का ख्याल नहीं करते हैं, ऐसा लोग कहेंगे उनको हमें कहने का मौका नहीं देना है। कितने बजे नमाज है? नमाज कितने बजे है? 9:25 को। अभी अभी कितने बजे है? 9:07। अब वक्त पूरा हो रहा है और ज़रूरी बातें आ गई है आप हजरात के सामने। अगर किसी को कोई ख़ास मसला कुर्बानी के बारे में पूछना हो तो रात को मेरा कायम यहीं पर होगा, और किताबें भी मैं साथ में लाया हूँ कुर्बानी के मसाइल की, फजाइल की, तो इंशाल्लाह उसमें से बता सकूँगा। अभी ऐसा करें, नमाज वक्त पर खड़ी करनी है, कभी दुआ कर लेते हैं थोड़ी देर, और दुआ के बाद में वजू से फारिग हो जाओ, और नमाज वक्त अजान वक्त पर हो, नमाज वक्त पर हो, ये ज़्यादा अच्छा। ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई अजान दुआ होती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اقتنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا الله
فضل و کرم سے ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائی, ہمیں صحیح نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائی, آپ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی, ہماری قربانی کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب کو نیک صالح بنائیے. اے اللہ میں جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے. اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں دوزخ کے عذاب سے. اے اللہ آپ کو کل ہمیں جنت الفردوس عنایت فرمائیے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہمیں کامل تقوی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں کامل تقوی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں کامل اخلاص عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.